जी, मुझे वीडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। देखिए, सदन में इससे पहले भी आप तमाम कवरेज करते रहे हैं बोर्ड की मीटिंग्स की। पहले भी बहुत सारे इस तरह के मुद्दे और तर्क वितर्क होते हैं, मुद्दों पे बहस होती है, बात होती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, अभी भी ऐसा ही हुआ है। जो हमारी बड़ी बहन रेखा सिंह पार्षद जो अपनी बात रख रही थी, उनके तर्क वितर्क के आधार पर हमने उनको उनकी बात को टोका था हाउस सेक्स के मुद्दों को लेकर के। बस यहीं तक बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। और सदन के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ है वो सब बाहर सड़क की बात है, जो तमाम वो नंगा नाच हुआ है सड़क पर, जो जुल्म हुआ है हमारे दोनों साथी पार्षदों पर, वो सदन से बाहर की बात है। तो सदन से बाहर की बात पर क्यों फोकस नहीं है? भारतीय जनता पार्टी उसका जिक्र क्यों नहीं करती है? सिर्फ सदन के अंदर की अभद्रता की बात करके वो बाहर के पूरे गंभीर घटनाक्रम को पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। पर्दा डालने की कोशिश कर, उन्होंने कहा कि सदन की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल, बाहर की बात बीजेपी नहीं कर रही है, वो सदन की बात उठा रही है और बार बार ये कह रही है कि अभद्रता की है, जाति सूचक शब्द कहे हैं। तो भाई फिर ये कौन बताएगा कि उन दलित पार्षदों की पिटाई जो आपके एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और आपके ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर साहब ने की है, उसकी बात कौन करेगा? उनके इंसाफ की बात कौन करेगा? ये तो बीजेपी, वही तो हम कह रहे हैं नैतिकता की बात है, बीजेपी में नैतिकता ही नहीं बची है। आखिरी सवाल, अपने पार्षदों को कैसे इंसाफ देना? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर से लेकर हमारे इन 11 पार्षदों के साथ मजबूती से खड़ा है हमारा संगठन। हमारे पार्षदों पर अगर कोई देखिए, अगर हमारा पार्षद कहीं गलती पर है, हम कह रहे हैं, हम बहुत आपके जरिए ऐलान कर रहे हैं, बीजेपी ये साबित कर दे कि फजल करीम ने किसी महिला पार्षद को वहां पर जाति सूचक शब्द कहे हैं, हम पार्टी के आधार पर फजल करीम पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। क्या बदले में बीजेपी एमएलसी और अपने ऊर्जा मंत्री पर कार्रवाई करेगी? जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर नाइंसाफी के साथ षड्यंत्र के तहत हमारे पार्षदों को फंसाया जाएगा तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ पार्षदों के साथ खड़े हैं, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। इंसाफ की लड़ाई इनके आखिर तक लड़ी जाएगी, ये मान सम्मान की और नैतिकता की लड़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एआईएमएम के तमाम नेता हैं और किस तरीके से बेहद आक्रामक बीजेपी को लेकर नजर आ रहे हैं। सीधा कह रहे हैं कि यदि किसी दबाव में पार्षदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो फिर जेल भी भरी जाएंगी और डीएम से लेकर एसएसपी के यहां तक प्रदर्शन भी किया जाएगा। यानी मामला अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।